पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चुंगल देश छोड़कर लंदन जा रहा है और सुरेश के जासूस टेडीलाल ने बुरी खबर बताया है। अब आगे अंशिका और अंबिका को बहुत पसंद है चोर बाजार के कंगन। इस सीजन के आखिरी एपिसोड का नाम है बिना एंड में किए थे लंदन। सब बहुत घबरा जाते हैं बुरी खबर को सुन के, तो सोनू बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। तो सोनू मनु और एक हवलदार के साथ जाते हैं और प्लान को अंजाम देते हैं, क्योंकि अगर सभी लोग गए तो वो कहीं डर से बताए ना। चुंगल एक बार फिर कंफर्म करता है और जग्गा हाँ में जवाब देता है। रोहन रवि और टिंकू को बताता है कि मैंने चुंगल के प्लान के बारे में मोहित के बड़े भाई को बता दिया है। तो सब डर जाते हैं कि कहीं वो मोहित का भाई चुंगल के प्लान के बारे में पुलिस को ना बता दे। तो रवि यहाँ गए चुंगल के पास जाते हैं और उसके घर जाने का निर्णय लेते हैं। दोनों जैसे ही विनय से चुंगल के प्लान के बारे में पूछते हैं, वैसे ही चुंगल वहाँ आ जाता है और सबको अपने सीक्रेट बेस पर ले जाता है। हवलदार आता है और सबको सोनू मोनू के बारे में बता देता है और बताता है कि वो उनका पीछा कर रहा था इसलिए वो इतना लेट हो गया। रोहित पूछता है कि तो क्या पता चला। हवलदार बताता है कि उन्हें वो नर्मदा झरने के पास एक खुफिया गुफा में लेकर गया है जहाँ एक कुत्ते का निशान बना होगा और उसका पासवर्ड है शैतान खुश रहे, और उसके जवाब में शैतान खुश है जवाब आएगा, तभी गुफा का द्वार खुलेगा। सब अगले दिन सुबह 6 बजे नर्मदा झरने के पास जाने का प्लान बनाते हैं, पर रोहित को उस हवलदार की बात पर विश्वास नहीं होता है तो वो हवलदार का पीछा करने लगता है और सोहन रोहित को बाहर जाते देख लेता है। हवलदार चुंगल को बता देता है कि उसने सब वैसा ही बोला जैसे उसने बोलने को कहा था। फिर चुंगल उस हवलदार को गोली मार देता है और रोहित इन सारे घटनाक्रम का वीडियो बना लेता है और जाते जाते एक डिब्बा गिरा देता है और सब रोहित को सीसीटीवी में देख लेते हैं। पर जग्गा चुंगल को रोकने की बहुत कोशिश करता है कि रोहित को छोड़ दे, पर चुंगल नहीं सुनता है और बल्ली रोहित को ट्रक से उड़ा देता है। रोहित नहीं आता है तो राजेश सबसे पूछता है कि किसी ने रोहित को देखा, तो सोहन बता देता है। तो निखिल और सुरेश नर्मदा झरने के लिए रवाना होते हैं और राजेश और सोहन रोहित को ढूंढने जाते हैं और निखिल का फोन कई बार बजता है पर वो फोन नहीं उठाता है। सचिन इतने दिवस पापा आनी दादा का आले नहीं। अंबिका हे योग्य दिशत आहे। अंशिका मला आधी पास सुनच अहमदाबाद के टिकट मिटले होते। सचिन अहो तो आजी। अंशिका लवकरच के तैयारी करा, 2 तासान फ्लाइट येईल। अंबिका ओके। अरे वो लोग तैयारी करने लग जाते हैं। राजेश भीड़ देखकर वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि हवलदार और रोहित के लाश वहां पड़े हैं और राजेश चुंगल और हवलदार के संवाद का वीडियो देख लेता है और उन दोनों को हॉस्पिटल में छोड़कर गुस्से से नर्मदा झरने की तरफ निकल जाता है। Let the action begins, part 1। नर्मदा झरने के पास बहुत सारे कुत्ते के निशान थे तो वे सब में ट्राई करके देखते हैं पर गुफा नहीं खुलता है और चुंगल एंड गैंग आ जाते हैं और सारे पुलिस वालों को घेर लेते हैं और चुंगल उस हवलदार के बारे में सब बता देता है। गुंडप्पा गोली चलाने लगता है लेकिन राजेश गुंडप्पा के हाथ पर गोली चला देता है जिससे गुंडप्पा बंदूक नहीं चला पाता। जग्गा डरते हुए बोलता है कि मैंने मना किया था कि रोहित को छोड़ दो पर तुमने सुना ही नहीं, तो अब तो मैं तो चला, पर मैं जाने से पहले बता रहा हूँ कि तुम भी भागो मेरे साथ तभी बच पाओगे। उधर राजेश अपना इंट्रोडक्शन देता है कि तेर सावर की तेजसी रफ्तार नाम है मेरा गिरफ्तार। चुंगल बोलता है कि जो भी नाम है तुम्हारा मुझे नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि सोनू और मोनू अभी भी मेरे कब्जे में है। बल्ली बताता है कि बॉस कुछ भी पाल लो गलत फहमी मत पालो, तो उन्हें कपड़ छुड़ा लिया है। वो जल्दी जल्दी अपने कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सोनू विनय से
फिर से चुंगल के प्लान के बारे में पूछता है, पर तभी विनय को कोई शूट कर देता है और वही अपना दम तोड़ देता है। राजेश अपने साथियों को बुला लेता है और सुरेश के साथ चुंगल के पीछे चला जाता है। निखिल सबको लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। चुंगल को याद आता है कि वो तो विनय के बारे में भूल ही गए, तो वो वापस मुड़ जाते हैं और नर्मदा झरने के तरफ बढ़ते हैं, पर बल्ली की कार को ट्रक वाला उड़ा देता है और ट्रक वाला मौका देखकर भाग जाता है और राजेश आकर बताता है कि बल्ली को उसी के एक आदमी ने उड़ाया है। फिर उन सब में थोड़ी बहसबाजी होती है, पर फिर सुरेश गुंडप्पा को टोपड़ी उड़ा देता है। फिर थोड़ी देर तक गोलीबारी होता है जिससे राजेश के बंदूक की गोली खत्म हो जाता है और चुंगल राजेश पर गोली चला देता है, पर सुरेश बीच में आ जाता है और अपने बच्चों के सुरक्षा का वादा लेकर मर जाता है और राजेश गुस्से में AK-47 अंधाधुंध चलाने लग जाता है। जिससे जग का धक्का खाकर नर्मदा नदी में डूब जाता है और चुंगल मौका देखकर भाग जाता है। निखिल के आने के बाद वे हॉस्पिटल जाते हैं और रास्ते में हंसिका अंबिका और सचिन मिल जाते हैं और सब एक साथ हॉस्पिटल जाते हैं और सुरेश की मौत की खबर सुनकर तब बहुत दुखी हो जाते हैं और हंसिका अंबिका और सचिन भी रोहित के बारे में सुनकर रोने लग जाते हैं। फिर राजेश सबको हिम्मत देता है और अंतिम संस्कार करने की तैयारी करते हैं। सोनू, मैं उस चुंगल को नहीं छोड़ूंगा। सोहन, मोनू, सचिन, हम भी। निखिल, पहले तुम सब बड़े तो हो जाओ। राजेश, हाँ। सोनू, जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम उसे मजा चखाएंगे। बोलो कौन कौन मेरे साथ है। सब एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखते हैं। वहाँ पर धुआं छा जाता है और आधे घंटे बाद वो धुआं हटता है तो सबको पता चलता है कि सोहन गायब हो चुका है। रवि, क्या हुआ आपको? सुंदर, लंदन चलने की तैयारी करो। रवि, लंदन जाना तो कैंसिल हो गया था ना? सुंदर, जो बोल रहा वो करो और जॉन को भी बुलाओ। रवि, पर सुंदर, बाद में सब बता दूंगा। रवि, ओके, मुझे भी लंदन चले जाना चाहिए।